यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2171 भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली रानी कमलावती भोपाल निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4 घंटे लेट से चल रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12427 रीवा से दिल्ली जाने वाली रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 5 घंटे की देर से चल रही है। देश के रेलवे स्टेशनों पर इतनी साफ गोई से यह ऐलान हो रहा है या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन देश की ट्रेनों का हाल फिलहाल यही चल रहा है। जी हाँ, नए साल के दिन यानी 1 जनवरी को दिल्ली की ओर आने वाली 21 ट्रेनों की सूची आई जो कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को भी एक सूची आई थी 23 ट्रेनों की, वो ट्रेनें भी कोहरे की वजह से देर पहुंची। देरी का कारण कोहरा, जैसा हमने आपको भी बताया। ये दिल्ली आने वाली ट्रेनों का हाल है। आप बड़े स्टेशनों और बड़े रेल मंडलों का हाल इसके अंदाज से लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फॉग के कारण ट्रेनें तो लेट होती ही हैं, इसमें नया क्या है। इसकी बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप और हम नई तकनीक के आने के बावजूद ट्रेनों की समस्या से जूझ रहे हैं। पहले आप दिल्ली स्टेशन पर खड़े इन लोगों को सुनिए। सर, समस्या ये है कि सारी ट्रेन, मेरा तो ये लगभग मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था रेलवे में, जब मैं नागपुर से यहाँ दिल्ली आया तो भी मेरी ट्रेन 8 घंटे लेट, और अभी कल रात की मेरी 8 बजे की थी और अभी सुबह तक डिले कर दी है। अभी ग्वालियर ही जाना सर, परसों आए थे हम लोग दिल्ली, मतलब फंक्शन था हमारा तो उसमें हमने रिजर्वेशन कराया था, वो भी ट्रेन हमारी कैंसिल हुई, इधर से फिर बस से आए। ट्रेन कैंसिल हुई? नहीं कैंसिल नहीं, मतलब लेट इतनी थी, कम से कम नहीं तो 12 घंटे लेट थी। हमें आना था शाम को, फिर हमने भाई मतलब बस से अपने वो टिकट भी कैंसिल नहीं हुए, पैसे भी चले गए। और अभी जाने का क्या सीन है? जाने की भी 18 घंटे 20 घंटे लेट है वो ट्रेन, और 20 लोग हम विद फैमिली के, कोई पता नहीं सर ट्रेन। इसी तरह लोग हर रोज सोशल मीडिया पर शिकायत करते रहते हैं। 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा कि उन्हें कानपुर से दोपहर में 1:15 बजे ट्रेन पकड़नी थी जो 9 घंटे लेट थी, और उन्हें इसके बारे में 2 बजे पता चला, लेकिन उन्हें उसी रोज 8:15 बजे झांसी से एक दूसरी ट्रेन पकड़नी थी राजधानी, इसीलिए उन्हें अपनी ट्रेन को छोड़ना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने 4500 रुपये की कैब बुक की और सीधे कैब से झांसी गए। भाई साहब ने 1500 रुपये तत्काल में खर्च किए थे, 4500 इधर खर्च हुए, तो इस तरह उन्हें 6000 रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। ट्रेनों की देरी के कारण लोगों को हो रहे नुकसान की ऐसी कहानियां सोशल मीडिया पर पटी पड़ी हैं। हर दिन कई लोग मंत्रालय को ट्रेनों की देरी की शिकायत सुनाते हैं, रेल मंत्रालय शिकायतों पर माफ़ी मांग लेता है, लेकिन जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था कि तकनीक से के बावजूद हम और आप इस दिक्कत को डील कर रहे हैं। एक तरफ देश में लगातार बड़े और लग्जरी ट्रेनें शुरू हो रही हैं और हर ट्रेन की रवानगी पर देश के शीर्ष नेता जश्न मनाते हैं, झंडी दिखाते हैं, रेल मंत्री ट्रेनों की तो यात्रा तक करते हैं, लेकिन ये सब जश्न समझा भी जाए, ट्रेनों को भी तो समय से चलाया जाए, क्योंकि ट्रेनें रवाना होते ही भारत के कई हजार किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का हिस्सा बन जाती हैं। जहां उन्हें देर होना होता है तमाम वादों और तमाम दावों के बाद, और बर्बाद क्या होता है? हमारा आपका पैसा, हमारा आपका समय। हमने आपको दिखा दिया कि साल 2024 में भी ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो क्या सरकारों ने कभी इसकी सुध ली, कभी ठीक करने का कोई बेड़ा उठाया? जी हाँ, करीब 6 साल पहले रेलवे ने एक सिस्टम निकाला था, ये GPS बेस्ड सिस्टम था जिसका नाम था फॉग पास। कोहरे के कारण ट्रेनों में देरी और कैंसिलेशन के कारण इसे लाया गया था। इसे लोको पायलट की केबिन में इंस्टॉल किया जाता है। यह डिवाइस ड्राइवर को आने वाले सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट यानी फाटक से पहले अलर्ट करता है, विजुअल और वॉयस अलर्ट दोनों दिया जाता है। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस 2 बड़े स्टेशन के बीच दूरी और पहुँचने का समय भी बताती है, और ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो ट्रेन की स्पीड मेंटेन रख सकते हैं। डिवाइस में ट्रैक की मैपिंग, सिग्नल, स्टेशंस और लेवल क्रॉसिंग सब का डेटा भी होता है। सिग्नल आने से 500 मीटर पहले डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट कर देती है, आवाज़ भी निकलती है कि सिग्नल ग्रीन है या रेड। हाल ही में खबर आई थी कि करीब 19,700 फॉग पास डिवाइस ट्रेनों में लगाए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यूज में रेलवे अधिकारियों ने बताया था कि इन फॉग डिवाइसेस से ड्राइवर को ट्रेन चलाने में आसानी हो रही है। फिर एक वाजिब सवाल आता है,
अगर चालक को आसानी हो रही है तो ट्रेन कहाँ रह जा रही है, वो उतनी ही समय पर क्यों नहीं आ रही है जिसका वादा है। अगर स्टेशन पर पहुँचने की, समय से पहुँचने की समझाइश यात्रियों को दी जाती है तो ट्रेनें भी समय से तो स्टेशन पहुँच सकती हैं, वो क्यों नहीं पहुँचती हैं। अब इस एंटी फॉग डिवाइस से रेलवे के संचालन पर असल में फ़र्क क्या पड़ा है, इसे समझने के लिए हमने बात की इनरोडे के रिपोर्टर उदय गुप्ता से। वो रेलवे को कवर करते रहते हैं, सुनिए उन्होंने क्या बताया। इस डिवाइस के लगने से हम फुल स्पीड ट्रेन को जो निर्धारित गति है उस हिसाब से नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से लोको पायलट को जब सही समय से और सही दूरी पर सिग्नल मिल जाता है तो दुर्घटनाओं में जरूर कमी आई है। रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि हम ट्रेन को जितनी निर्धारित गति सीमा है, जैसे राजधानी की तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कोहरे में हम राजधानी एक्सप्रेस को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चला सकते। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम एक निर्धारित गति कर देते हैं, उस गति से हम चलाते हैं। फॉग सेफ डिवाइस केवल इतना मदद करती है कि स्टेशन आने से पहले, सिग्नल आने से पहले लोको पायलट को एक मैसेज दे देती है, तो लोको पायलट जो है वो ज्यादा रिलायबिलिटी उसके अंदर आती है, एक विश्वास आता है जो पहले नहीं होता था। पहले लोको पायलट डर के ट्रेन को चलाता था तो पता नहीं कितना दूरी पर जो है वो सिग्नल आएगा, सिग्नल की स्थिति क्या होगी, तो ये स्थिति जो है। अच्छा, एक चीज और है, वॉकी टॉकी आ गया है अब, तो वॉकी टॉकी से भी स्टेशन जब उसको सिग्नल मिलता है लोको पायलट को कि आने वाले 500 मीटर के बाद हमारा सिग्नल आने वाला है, तो वॉकी टॉकी से वो पूछ लेता है अगले स्टेशन से कि हमारा सिग्नल रेड है या ग्रीन है। तो उस लिहाज से रेलवे का ये कहना है कि सुरक्षा बढ़ी है, संरक्षा बढ़ी है। अगर ट्रेन लेट हो रही है, और आपको जानकारी भी दे दें कि 3 घंटे से ज्यादा अगर आपकी कोई ट्रेन लेट है तो आप अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, इसके लिए बाकायदा आपको रेलवे की वेबसाइट पर जाके रिफंड का फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ दिनों के अंदर आपको पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन एक और समस्या है, ट्रेनों का लेट चलना एक समस्या नहीं है, एक और समस्या है, वो है लोगों को टिकट जब मिल जा रहा है तो भी वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे कुछ सीन आम हुए। सीन ये थे कि लोग फर्स्ट एसी में भी खड़े होकर यात्रा कर रहे थे, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर में तो कर ही रहे थे। कई लोगों ने इसके फोटो वीडियो ट्वीट किए, रेल मंत्रालय को, जीपीआर को, जीपीओ को, आरपीएफ को, सबको टैग करते हुए लिखा और ये बताया कि हम टिकट है आराम से यात्रा तक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो लोग ट्रेनों में भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं उनके भी अपने तर्क हैं, उनका कहना है कि उनको भी घर जाना है, उनको भी अपने घर से वापस आना है। उनका कहना है कि ट्रेनों में स्लीपर का डिब्बा घटा दिया गया है, लिहाजा वो सस्ती यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ और लोगों से बात की और कमोबेश सभी ने अपना यही ऑब्जर्वेशन हमसे साझा किया कि ट्रेनों में स्लीपर के डिब्बे पहले से कम संख्या में मिलते हैं, ट्रेनों के इसीलिए ट्रेनों के एसी डिब्बे में भीड़ बढ़ी हुई है। हमने इन सभी दिक्कतों पर रेलवे का पक्ष जानना चाहा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि हर साल जितनी ट्रेनें कैंसिल होती थी उस साल उतनी ट्रेनें कैंसिल नहीं हो रही हैं, ट्रेनों में देरी का समय भी इसलिए कम हुआ है और डिवाइस ठीक से काम कर रहे हैं फॉग पास, और यह भी कहा कि ट्रेनों में स्लीपर डिब्बों की संख्या घटाई नहीं गई है। उन्होंने अपना दावा रखा। आरोप चश्मदीद और दावे सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए शिकायतें अब भी बनी हुई हैं। उम्मीद है कि जल्द निकलेगा इनका इलाज, देश के यात्रियों का पैसा और समय बचेगा, बर्बाद नहीं होगा।